उत्तराखंड में वनग्नि थमने का नाम नहीं ले रही है। अब तक आग ने सैकड़ों हेक्टेयर जंगल जलाए, करोड़ों की वन संपदा जलकर खाक हो चुकी है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में सख्त कदम उठाने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद सोयल से मलमोड़ा डिवीजन के DFO ध्रुव सिंह मर्तोलिया को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं CF कोको रोसे को वन मुख्यालय देहरादून से अटैच कर दिया गया है। वहीं कुमाऊं चीफ CCF PK पात्रों को भी अटैक किया जा रहा है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा में बिनसर वन्य जीव अभयारण्य में एक दिन पहले वनाग्नि की घटना से हर कोई स्तब्ध है। इसमें 4 वनकर्मियों की मौत हो गई थी और 4 वनकर्मी झुलसे भी थे। तो वहीं अब CM धामी ने कहा कि अब इस मामले में सख्ती के साथ कार्रवाई होगी। एम्बुलेंस वहां पर आ गई है, उसके भी आदेश कर दिए, चारों को वहां शिफ्ट किया जा रहा है। अच्छे से अच्छा जो इलाज है उनके लिए हो, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हों और अपने काम पर आएं, अपने घरों पर जाएं। और साथ ही जो लोग इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से किया गया है, CCF कुमाऊं, चीफ कंजर्वेटर नॉर्थ और DFO अल्मोड़ा, इन तीनों को ही जो है सस्पेंड करने के आदेश कर दिए हैं। और इसमें सीधे सीधे चेतावनी है, क्योंकि मैं लंबे समय से हम लोग लगातार ये कहते रहे हैं कि हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वो धरातल पर चीज़ों को देखें, उन पर जाकर देखें, किसी प्रकार की कोई लापरवाही न बरतें।